हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? मज़े में ना? आज हम ग्रामर लेंगे, उसमें है निबंध लेखन यानी कि एसे राइटिंग। आज हम उनकी समझ लेंगे और एक एसे राइटिंग यानी कि एक निबंध लेखन का अभ्यास भी करेंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में निबंध किसे कहते हैं, निबंध की विशेषताएं क्या होती है और निबंध के प्रकार कितने होते हैं और कौन से होते हैं और निबंध के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ एसे ये सब देखेंगे और उसके बाद एक निबंध का अभ्यास भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं निबंध किसे कहते हैं। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय से संबंधित अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश। निबंध का अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। निबंध के वाक्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रत्येक वाक्य एक भाव अथवा विचार की कड़ी होता है। निबंध की भाषा विषय के अनुकूल होती है। निबंध के विषय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अब हम अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं होती है वो देखें। एक अच्छे निबंध में प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि निबंध की भाषा सरल सुबोध तथा प्रभावशाली होनी चाहिए, यानी कि सबको अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाए ऐसी होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा होनी चाहिए। जो विषय के संबंधित निबंध लिखा जा रहा है उनके सारे पहलुओं को मतलब उनके सारे पॉइंट्स होते हैं, उनके जो टाइप्स है उनकी चर्चा उनमें होनी चाहिए। निबंध की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। निबंध की वर्तनी मतलब उसकी जो भाषा शैली होती है वो शुद्ध यानी कि जो वाचक है पढ़ने वाला उसको अच्छे से समझ आ जाए, और विराम चिन्ह जैसे कि फुल स्टॉप है, कोमा है, एपोस्ट्रोफी है मतलब पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सब अच्छी तरह जहाँ जहाँ उसका प्रयोग किया जाना चाहिए वहाँ उसको रखना चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में पहले कही गई सभी बातों का सारांश आना चाहिए। जब ऐसे का एंड होता है यानी कि निबंध के अंतिम चरण में लास्ट पैराग्राफ में पूरे निबंध का सारांश आ जाना चाहिए कि निबंध में क्या कहा गया है। अब हम निबंध के प्रकार देखेंगे यानी कि टाइप्स ऑफ ऐसे। निबंध के मुख्य चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला है विवरणात्मक निबंध, दूसरा है विचारात्मक निबंध, तीसरा है वर्णनात्मक निबंध और चौथा है काल्पनिक निबंध यानी कि कल्पनात्मक निबंध की जिसकी हम कल्पना कर सके। तो सबसे पहले हम देखें विवरणात्मक निबंध कैसा होता है और उसमें क्या क्या होना चाहिए। विवरणात्मक निबंध इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे मेरी पहली हवाई यात्रा, रेल दुर्घटना, सड़क पर घटी हुई दुर्घटना, विद्यालयों का वार्षिकोत्सव, महात्मा गांधी, रेलगाड़ी द्वारा मेरा पहला सफर आदि, ये सब किस में आएंगे?
विवरणात्मक, मतलब हम उनका विवरण कर सके कि हमने जो देखा है उसके बारे में हम उस निबंध में लिख सके। दूसरा है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी विषय की समस्या पर विचार किया जाता है, जैसे दूरदर्शन के लाभ हानि, मोबाइल का बढ़ता प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षा व्यवस्था इत्यादि, कि हम उन पर विचार कर सके कि ये जो सारी समस्या है उन पर हम क्या कर सकते हैं। तीसरा है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में ऋतुओं, त्योहारों, दृश्यों एवं स्थानों आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे प्रकाश पर्व दीपावली, क्रिसमस डे, मेरा प्यारा भारत, वसंत ऋतु इत्यादि, मतलब कि हम जिसका वर्णन कर सके ये सारे निबंध उसमें आते हैं। लास्ट और चौथा है कल्पनात्मक निबंध, कि जिसकी हम कल्पना कर सकते कि अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो, अगर मैं ये होता तो ये करता, अगर मैं ये होती तो वो करती, इस प्रकार के निबंध उसे कहते हैं कल्पनात्मक निबंध। ये निबंध कल्पना पर आधारित होते हैं, जैसे यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो, यदि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं तो इत्यादि। अब हम निबंध के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ एसे, कि हम कोई भी एसे लिखे तो उनको पहले भागों में विभाजित कर देना चाहिए, कि हम पहले उसके भाग बना लें और भाग के मुताबिक, मतलब उसके पार्ट्स के मुताबिक हम वो निबंध यानी कि एसे राइटिंग कर सके। तो पहले वो भाग यानी कि पार्ट्स कौन से है वो देख ले। भूमिका यानी कि निबंध की प्रस्तावना, मध्य भाग यानी कि विषय वस्तु, कि ये निबंध किस विषय पर लिखा जा रहा है वो। तीसरा उपसंहार यानी कि समापन। अब हम विस्तार से देखेंगे। पहला है भूमिका यानी कि प्रस्तावना। इस भाग में निबंध के विषय का अर्थ स्पष्ट करते हुए विषय के महत्व के बारे में भी लिखा जाता है। प्रस्तावना जब लिखते हैं तब प्रस्तावना में इस तरह रखते हैं कि ये जो निबंध है वो किस विषय पर लिखा जाता है। दूसरा है मध्य भाग यानी कि विषय वस्तु, कि ये निबंध यानी ये ऐसे राइटिंग कौन से विषय पर लिखा जा रहा है। निबंध का यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें निबंध की विषय वस्तु के सभी बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। और लास्ट यानी तीसरा उपसंहार यानी कि समापन। उपसंहार में विषय का सारांश एवं अपना मत प्रकट करते हुए निबंध समाप्त किया जाता है। अब हम एक निबंध का अभ्यास करेंगे, वो आपके सामने रखती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा निबंध का टॉपिक है इंटरनेट की दुनिया। आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक लेना ही अच्छा रहेगा और आपको भी जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा निबंध है इंटरनेट की दुनिया। उनकी रूपरेखा है भूमिका यानी कि उसकी प्रस्तावना, फिर अद्भुत आविष्कार, विभिन्न स्तर, उपयोगिता, अन्य लाभ, दुरुपयोग तथा उपसंहार। फिर से बोलती हूँ, भूमिका, अद्भुत आविष्कार, विभिन्न स्तर, उपयोगिता, अन्य लाभ, दुरुपयोग और लास्ट में उपसंहार। आधुनिक युग में विज्ञान निरंतर प्रगति के पथ पर सफलतापूर्वक बढ़ता जा रहा है। इससे मनुष्य को सुख सुविधाओं के साथ साथ
अनेक क्रांतिकारी उपकरण भी उपहार स्वरूप दिए हैं, जिनमें इंटरनेट एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बलशाली एवं गतिशील सूचना का माध्यम है। अगर इंटरनेट न होता तो आज का ये जो समय है कि ये जो COVID-19 आया, लॉकडाउन आया, उनमें से स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो जो एजुकेशन जो सारे बंद किए गए हैं, तो स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स जा नहीं सकते, तो ये इंटरनेट के माध्यम से घर पर बैठकर ही आप मोबाइल में इंटरनेट करवा ले तो डायरेक्ट आप अपने स्कूल और टीचर से कनेक्ट होकर आप अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनमें इंटरनेट एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बलशाली एवं गतिशील सूचना का माध्यम है। पूरी दुनिया सिमट कर जैसे कंप्यूटर में ही समा गई हो, बस एक बटन दबाओ और सब कुछ सामने हाजिर। सही बात है, आज साइंस इतना आगे निकल चुका है कि हम घर बैठकर भी मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा कुछ भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यह अनेक कंप्यूटरों का एक जाल है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो सारी दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम करती है। आज घर बैठे ही मनुष्य दुनिया के किसी भी भाग की कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट के जाल को फैलाने का श्रेय बेल लैब्स को जाता है। 1986 में इंटरनेट की शुरुआत हुई। अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने अपने आंकड़ों को दूर दूर के राज्यों में स्थित विभिन्न विभागों को भेजने एवं प्राप्त करने के लिए केबल नेटवर्कों का उपयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि इस समय भारत में लगभग 1.5 लाख के करीब इंटरनेट के कनेक्शन हैं और आने वाले समय में यह गिनती बढ़ जाने की संभावना है। इंटरनेट पर संबद्धता के विभिन्न स्तर हैं। पहले स्तर पर हम केवल सूचनाएं देख सकते हैं। दूसरे स्तर पर हम प्रणाली का आंशिक भाग बनते हैं, जबकि तीसरे स्तर पर हम इंटरनेट प्रणाली के मुख्य भाग में शामिल हो जाते हैं। इंटरनेट के मुख्य भाग है मुख्य सूचना कंप्यूटर, टेलीफोन, क्षेत्रीय नेटवर्क अर्थात LAN या वृहद क्षेत्रीय नेटवर्क अर्थात WAN, उपग्रह संचार तथा केबल नेटवर्क कंप्यूटर पर इंटरनेट को देखने के कार्य को सर्फिंग कहते हैं। कंप्यूटर का सर्फिंग करते हुए सिर्फ क्लिक करने की देर है और मनचाही सूचना पल भर में आंखों के सामने आ जाती है। इंटरनेट की सुविधा ने ज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति ला दी है। धरती के भीतर झांकना हो या अंतरिक्ष की सैर करनी हो, तो अतीत से लेकर भविष्य में घूमना हो या खेलों से संबंधित जानकारी लेनी हो, खेल खेलना हो या मनपसंद गीत सुनना हो, घर बैठे ही खरीदारी करनी हो या रेलवे हवाई जहाज की टिकट खरीदनी हो या फिर होटल की बुकिंग करवानी हो या कोई बिल चुकाना हो या विवाह संबंधी विज्ञापन देना हो, मौसम की सूचना हो या शहर में लगने वाली नई फिल्म की खबर हो, किसी बीमारी के लक्षण पता करने हो या उस बीमारी का इलाज करवाना हो, सब जानकारी इससे उपलब्ध हो सकती है। इंटरनेट से हम ईमेल, ई कॉमर्स, नेट सर्फिंग और वेब संरचना जैसे अनेक सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। क्लब के सदस्य बनकर हम अपने ज्ञान तथा कला को दूसरे
लोगों के साथ बांट सकते हैं या दूर बैठे हुए लोगों से संपर्क स्थापित करके बातचीत कर सकते हैं। विश्व में बड़े बड़े देशों में इंटरनेट के अनेक अन्य लाभ भी है। इससे व्यापार, स्वास्थ्य, वास्तुकला, उद्योग, धर्म, योग, प्रबंधन आदि विषयों के बारे में सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त होते हैं। इससे भूकंप का पूर्वानुमान, तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाने संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से दूर बैठे लोगों को फोटो देखते हुए उनसे बातचीत की जा सकती है। चरमोन्नत जग में जबकि आज विज्ञान ज्ञान बहुभौतिक साधन वैभव यंत्रयान सेवक है विद्युत वाष्प शक्ति धनबल नितांत फिर क्यों जग में उत्पीड़न जीवन क्यों अशांत। कोई भी आविष्कार तब हानि देता है जब हम उनका दुरुपयोग करते हैं। सर्वप्रथम तो ज्यादा देर तक इस पर कार्य करने से आंखें खराब होने लगती है। इसके अतिरिक्त कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो किशोरे को अपरिपक्व मन पर बहुत गलत प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त आतंकवादी धमकियां देने और अफवाह फैलाने का कार्य ईमेल से करते हैं। ये उसका दुरुपयोग करके बैंकिंग और वित्तीय लेन देन को भी अवरोध कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रमुख शहरों और रेलवे यातायात प्रणाली के तंत्र को भी खराब किया जा सकता है। आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाजों को रास्तों में भटकाया जा सकता है और दुर्घटनाएं करवाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त कई अन्य दुष्परिणाम भी और भी है। हमें इंटरनेट का प्रयोग नियंत्रित होकर समझदारी से करना चाहिए, तब भी हम इसका सही रूप में लाभ उठा सकते हैं। किशोरों को भी उनकी सीमाओं से अवगत कराना होगा, उन्हें अच्छा और बुरे में पहचान करवानी होगी, तभी तो इंटरनेट के लाभ से हमारा देश उन्नति की ओर अग्रेसर होगा। स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि इंटरनेट हमें कितने सारे उपयोग में आ सकता है, उससे कितने सारे फायदे भी है और उनके कितने दुरुपयोग भी है। तो हमें सोचना है कि हमें उसके फायदे उठाने हैं कि उसके हानि से बचना है। तो आपको ये ऐसे राइटिंग निबंध लेखन अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।